और अगली अहम खबर, 39 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का वक्त तब्दील, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। ज़राए का मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के नए वक्त से मुतालिक रिटर्निंग ऑफिसर को आगाह कर दिया है। 36 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 14 अक्टूबर को होंगे। 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 21 अक्टूबर को शेड्यूल हैं। कौमी असम्बली के 12, सूबाई असम्बली के 27 हलकों में पोलिंग होगी। यहाँ पर आपको ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बता रहे हैं कि 39 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और इसी पर मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाकिर अब्बासी, ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और इलेक्टोरल जो रोल हैं वो भी मुहैया कर दिए गए हैं रिटर्निंग अफसरान को। और सबसे बड़ी बात, जो इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का टाइम है वो भी कम कर दिया है, एक घंटा पिछली दफा 8 से 6 बजे तक था और 8 से 5 बजे तक कर दिए गए। इसके अलावा इलेक्टोरल रोल जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं और जो ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। 14 अक्टूबर को मुल्क भर में 36 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे और इसके लिए जो तैयारी हैं वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।